टीना को आखिर ऐसा कौन सा सवाल पूछना चाहती हैं सुंबुल तौकीर खान, और साथ ही साथ क्या क्या मतलब किस तरीके से उन्होंने शिव ठाकरे को, देन एमसी स्टैन को, उसके बाद साजिद खान को और फिर टीना दत्ता को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ टीना दत्ता को तो कुछ ऐसा बोल दिया है जो सुनकर भाई जनता ही शौक हो गई है, क्योंकि वो टीना दत्ता से सवाल पूछना चाहती हैं कि आखिर आपको अपनी बेइज्जती करवा के कैसा लग रहा है, तो कहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं और किस वजह से ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। सुंबुल तौकीर खान जब तक बिग बॉस के घर में थी उन्होंने लिटरली उस चीज़ पर राइज किया है, अपनी जर्नी पर उनको गर्व होना चाहिए और भाई होने वाली बात है, क्योंकि एक इनिशियल स्टेज पर जब वो बिग बॉस के घर में आई थी तो उनको एक नाम दे दिया गया था कि ये तो क्राई बेबी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फिनिक्स तक रोज किया वो लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि एक ऐसा समय था जब उनको मतलब रोते हुए देखा गया, उसके बाद एक ऐसा समय है कि वो लिटरली सोफे के ऊपर खड़े होकर अपनी बात बोल रही हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड हुआ ना वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा था। आपको बता दें कि भाई 12-13 बार नॉमिनेशंस में आना ये कोई खाने की बात तो है नहीं, मतलब उसके बाद भी आप सेफ हो रहे हो, तो इस चीज़ से पता चलता है कि लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, भले इनिशियली अंदर कुछ भी लोग कोई बोले, लेकिन आपको बता दें कि सुंबुल जो है घर से बाहर, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पॉपुलैरिटी तो उनकी और ज़्यादा बढ़ी गई है, अभी हाल ही में उन्होंने खुद का घर भी लिया है जिसका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चल रहा है, तो उस और घर से बाहर आने के बाद इंटरव्यूज़ भी उन्होंने बहुत सारे दिए हैं जिसमें उन्होंने शालीन टीना को लेकर तो बात करने से अवॉइड किया, लेकिन इस बार नहीं भाई, इस बार उन्होंने सीधे सीधे टीना को ऐसा बोली, मतलब एम लेकर ही रखा था कि अब मैं छोड़ने वाली हूँ। आपको बता दें कि क्या हुआ है, जब उनसे पूछा गया कि फॉलोइंग वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, तो जब उनसे पूछा गया यारों का यार तो वो कहती है शिव, छुपा रुस्तम, बोलती है स्टैन, जब उनसे पूछा गया खिलाड़ी तो वो बोलती है साजिद खान, साजिद सर, फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया प्लास्टिक तो उन्होंने इंस्टेंटली इस चीज़ का रिप्लाई किया कि टीना, जब उनसे पूछा गया क्या मतलब पॉज लेके कि टीना, जिसके बाद खुद जो इंटरव्यूअर है वो खुद ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई क्या पॉज लिया है लिटरली, मतलब क्यों टीना क्यों प्लास्टिक, जिस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि देखो मेरा बॉन्ड पहले मैं टीना को अच्छा समझती थी, मेरी दोस्ती उनके साथ हुई, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये रूमर घर में फैलाया कि आई एम ऑब्सेस्ड, मैं प्यार करती हूँ, ये सारी खबरें जो कि बुलशिट था, फालतू की खबरें थी, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने फैलाई और उसके बाद मैं लिटरली उनको प्लास्टिक ही बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक नज़र आती हैं, मैं बोलूँगी रियल रहें, जिस पर जनता का कहकर रिप्लाई आया, कोई लिख रहा है भाई शिवसुम इज द बेस्ट, कोई लिख रहा है रियल पर्सनालिटी एंड डिग्निफाइड कंटेस्टेंट इन बिग बॉस, यू आर एन इंस्पिरेशन एट दिस एज, यू बॉट योर ओन हाउस, दिस इज कमेंडेबल, फिर कोई लिख रहा है कि वेल सेड सुंबुल, शी इज हिलेरियस, फिर कोई लिख रहा है कि द ओनली जेन्युइन कंटेस्टेंट आई हैड कनेक्टेड विद इन बिग बॉस, लव हर सो हेट, लव हर और हेट हर, यू कांट इग्नोर हर, बिग बॉस के बाद भी कुछ हेटर्स अपने गैलरी में सुंबुल का फोटो रख के अभी डाल रहे हैं और कमेंट्स में मुझे उन पर दया आती है, फिर कोई लिख रहा है कि फाइनली सुंबुल तुमने रिप्लाई तो किया, कम से कम मज़ा आ गया चीज़ देख के, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप भी सुंबुल तौकीर खान से सहमत है, ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ, धन्यवाद।